न्यूज स्टॉक लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे रोमांचक वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचते रहें। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई इकबाल इस समय गंभीर बीमारियों से ग्रस्त। कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले डॉन दाऊद इब्राहिम का यह है छोटा भाई इकबाल का अस्कर, जिसे जनवरी 2018 में 3 अलग अलग हफ्ता वसूली के मामले में थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से यह थाने जेल में बंद है और आज जब थाने न्यायालय में इसे सुनवाई के लिए ले जाया गया, तब आप देख सकते हैं दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ रही है इसे चलने के लिए। इसके वकीलों का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद से ही कासकर काफी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, पर उसे उचित इलाज नहीं मिल रहा है। अतः अब कासकर का इलाज बड़े सरकारी अस्पताल में कराया जाए, ऐसी याचिका उन्होंने थाने न्यायालय में दाखिल की है। देखिए, इकबाल कासकर को उनको पहले से ही डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और अभी उनके पाँव में भी तकलीफ हुई है, सूजन आई है और सेलुलाइट की जो प्रॉब्लम है, तो पाँव में पस जो जमा होता है वो जमा हुआ है, तो उनकी वजह से वो चल नहीं पाते, बिना सहारे के तो चल ही नहीं पाते वो। और हाँ, इसलिए हम लोग ने 27 तारीख को अर्जेंट में उनके लिए एप्लीकेशन की थी कोर्ट को। कोर्ट इतने दिन छुट्टी पे था, तो हम लोग ने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि उनको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और इनका बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ था, पाँव पूरा सुम हो गया था तो चल भी नहीं पा रहे थे। तो हमने कोर्ट को हमने ऐसा रिक्वेस्ट किया, दरख्वास्त की कि इनको कल को कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए कोर्ट ने क्या मेडिकल रिपोर्ट ऑफिसर को कोर्ट में बुलाया और मेडिकल ऑफिसर ने एक रिपोर्ट फाइल की। उस रिपोर्ट में मेडिकल ऑफिसर ने स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि उनको इतना जो तकलीफ है ऑलरेडी, जो उन्होंने लिखा है डायबिटीज़ है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है, उनको लीवर का प्रॉब्लम है और उनको ब्लड प्रेशर है और उनके पाँव में जो सेल्युलर सूजन आई है उसका प्रॉब्लम है करके उन्होंने दिया। और उसमें उन्होंने लिखा है कि इनको जेल के अंदर में जो डॉक्टर है वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उनके, इसलिए उनको कोई किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, जे उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है, जे सेंट जॉर्ज थाना सिविल, ऐसे बड़े हॉस्पिटल में उनको लेके जाके उनकी जांच कराने की आवश्यकता है करके उन्होंने वैसा रिपोर्ट दिया है। और उन्होंने इसमें ये भी लिखा है कि इसके पहले भी इन्होंने जेलर को बोला था लेकिन जेलर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और हमारे एक एप्लीकेशन इसके पहले के थे तो उसने एक ऐसा इतना बोलते ना हंसने वाला कारण दिया कि गार्ड नहीं है, एक दिन तुम्हारे पास गार्ड नहीं है तो बाकी के दिन तो उन भेजे क्यों नहीं, इसलिए वो रीज़न देखे उन्होंने कि हमारे पास सफिशिएंट गार्ड नहीं है या पुलिस इतने प्रशासन नहीं है उतना, तो वो वैसा उत्तर दिया था लास्ट टाइम पे, इसलिए हमने वापस एप्लीकेशन किया है।